हिंदू धर्म तो कोई होता होता नहीं है, हिंदू धर्म तो कोई होता होता नहीं है, हिंदू धर्म न कभी था न है और न रहेगा। हमारी भारत देश में इस तरह से नंगा नाच होगा इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। आरएसएस में इनके पास ट्रेनिंग मिलती है कि गाय काट करके मंदिर में फेंक दो, सुअर काट के मस्जिद में फेंक दो, आपस में दंगा फसाद कराओ। इनके वहाँ एक टोली है जो इस तरह का घिनौना काम करती है। पलपल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम, और मेरे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, सनातनी ब्राह्मण हैं। और कल जो इंसिडेंट हुआ उन इंसिडेंट पर मैं उनसे बात करूंगा। हमने 72 साल पहले गांधी जी की शहादत देखी, पीछे हमारे इंदिरा जी की तस्वीर है, राजीव जी की तस्वीर है, उनकी शहादत देखी। पर जो कल देश ने एक नंगा नाच देखा जामिया में, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप सनातनी ब्राह्मण हैं और जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाता है, और ये वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, कैसे देखते हैं इसे आप? दरअसल इस सरकार ने और संघी मानसिकता के लोगों ने उस दिन, जिस दिन दुनिया महात्मा गांधी की शहादत दिवस के रूप में मना रही थी, उस संत की हत्या शहादत दिवस उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी, लेकिन ये संघी मानसिकता के लोगों ने 72 साल पहले जो हमारे पूर्वजों ने देखा था कि सन 1948 30 जनवरी को एक संत की हत्या कर दी गई, ऐसा तो कबीलों में देखने को मिलता है कि संत महात्मा और अपने पिता की हत्या कबीलों में होते हुए, लेकिन हमारे भारत देश में इस तरह से नंगा नाच होगा इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि इस देश में सनातनी परंपरा रहती है, हिंदू धर्म तो कोई होता होता नहीं है, हिंदू धर्म न कभी था न है और न रहेगा। और सनातन के अंदर घृणा, हत्या, जघन्य अपराध के लिए कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन ये संघी मानसिकता के लोग क्या से क्या कर जाएं, इसमें कुछ कहना बेकार है। ये जो है, चाहे ये सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये आताताइयों की सरकार है, इनके वजह से पूरी दुनिया में हमारे भारत का, जहाँ पे लोग, अगर देश से कोई प्रधानमंत्री जाता है तो लोग कहते हैं, यूएनओ में कहते हैं कि ये उस देश से आए हैं जहाँ महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के देश से आए हैं, उनका नाम कितने सम्मानित तरीके से यूएनओ में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूरी यूरोपियन कंट्री में, पूरी दुनिया में लिया जाता है। लेकिन इस सरकार ने वह क्या हिंदुस्तान को शर्मसार करने के लिए इतना घिनौना काम किया? दरअसल ये लोग चाहते हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम हो। इस देश की सरकार इमरान खान के साथ मिलकर के कोई तगड़ी साजिश कर रही है कि देश टुकड़े टुकड़े में बंट जाए और हम छोटे छोटे राज्यों में, बड़े मुश्किल से अखंड भारत का निर्माण हुआ, पहले तो अंग्रेज देश को खंडित करके गए हैं, अब अंग्रेजों के चाटुकार अब इस देश को खंडित करने में लगे हुए हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, कल जो नंगा नाच इनकी सरकार में हुआ था दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के ऊपर, दिल्ली पुलिस के जमाने के जवानों के ऊपर हम कोई अंगुली नहीं उठा सकता, न इनकी कार्यप्रणाली में कोई कमी है, लेकिन कल के दिन दिल्ली पुलिस के हाथ बंधे थे, मुख्य दर्शक बनी हुई थी, तमाशा देख रही थी, ये किसके इशारे पर, इनकी क्या मजबूरी रही है कि एक व्यक्ति पिस्टल लहरा रहा है? बताई, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने कहा कि अगर मैं होता तो तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति का इनकाउंटर कर देता, गोली मारना तो दूर, लहरा भी नहीं पाता। वहाँ लाखों लोग इस तरह से, तो वहाँ कोई बम बांध करके ले चला जाएगा और ये दिल्ली पुलिस नहीं रोक पाएगी। मैं इनके पुलिस कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूँ कि भैया आप किसके इशारे पर मौन धारण किए हुए हैं? कहते हो नाबालिग है, उसके पिता को मरे हुए तो लोग बता रहे हैं कि 20 साल हो गया, तो अगर 20 साल हो गया तो 17 साल का लड़का
तीन साल पहले ये सरकार बतावे तू किसकी औला कवर्नियल बाब है कौन, ये तो शर्मसार करने देने वाली बात है। इस तरह की घिनौनी हरकत ही लोग छोड़ दें और देश के विकास में अपना ध्यान दें, नौजवानों के विकास के लिए अपना ध्यान दें और सनातन धर्म में। मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगा, सनातन धर्म का आपने जिक्र किया, सनातनी ब्राह्मण आप हैं, कल उसकी आईडी जब खंगाली गई तो वो अपने आप को राम भक्त गोपाल कहता है, क्या राम भक्त का ये कृत्य हो सकता है? भैया गोस्वामी तुलसीदास भी राम के भक्त थे, क्या वो अत्याचारी थे, अपराधी थे, हत्यारे थे? हनुमान स्वामी भी राम के भक्त थे, परम भक्त थे, क्या वह अत्याचारी थे, हिंसा करते थे? नहीं, कभी नहीं। सनातन धर्म में या राम की पूजा करने वाला या कृष्ण की पूजा करने वाला, हमारे धर्म में कहीं भी हत्या, बलात्कार, रेप, इसके लिए कहीं कतई स्थान नहीं है। इसके लिए सनातन धर्म में इस तरह की कोई व्यवस्था है? हमारे वहाँ तो वसुदेव कुटुंबक का नारा दिया जाता है कि हम तो सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अतिथि देवो भव हमारे वहाँ है। लेकिन ये अत्याचारी, ये जो है अपराधी प्रवृत्ति, दरअसल क्या है कि आरएसएस में इनके पास ट्रेनिंग मिलती है कि गाय काट करके मंदिर में फेंक दो, सुअर काट के मस्जिद में फेंक दो, आपस में दंगा फसाद कराओ। इनके वहाँ एक टोली है जो इस तरह का घिनौना काम करती है और ये अगर वो कह रहा है कि मैं जो है राम जी का भक्त हूँ, इनका भक्त हूँ, तो भक्ति कहीं रामचरितमानस में लिखा गया है, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, महाभारत में लिखा गया है, किसी निर्दोष के ऊपर गोली चलाओ, किसी निर्दोष की हत्या करो, किसी अबला महिला के साथ बलात्कार करो, जैसे इनके गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी, इनके विधायक तमाम इनके वहाँ हैं, इनके वहाँ महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, जिसके वहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है, बहनों का सम्मान नहीं है, अबलाओं का सम्मान नहीं है, देश के नागरिकों का सम्मान नहीं है, देश से इनको कुछ लेना देना, इनको लेना देना है सिर्फ सत्ता से। और गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि मैंने दे दिया है जांच पड़ताल के लिए, ये सब झूठा आश्वासन है। हिंदुस्तान की जनता मूर्ख नहीं, सब पढ़े लिखे लोग। मैं जामिया मिलिया के छात्रों को, वहाँ के आंदोलनकारियों को मैं सलूट करता हूँ कि भैया आपने बड़ी सहनशीलता का परिचय दिया है ताकि ये दंगा फसाद कराने की मंशा, इससे पहले इन लोगों ने हरियाणा का चुनाव चल रहा था तो कमलेश तिवारी की हत्या करवाई, वो तो धन्यवाद मनाइए कि वहाँ भी हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में कि हरियाणा चुनाव निकाले जाएंगे। दरअसल उनकी माँ जो है पढ़ी लिखी थी, उस पंडिताइन को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने बुद्धि विवेक से कहा कि हमारे लड़के की हत्या भाजपा वाले करवाए हैं, इन लोगों की चाल है, संगियों की चाल है, हमारे लड़के की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। वो लड़का, किसी की भी लड़के की हत्या हो, किसी के लड़के के ऊपर कलका चिलाना हो, हमारा बच्चा हो या किसी का बच्चा हो, बच्चा बच्चा होता, इस देश का भविष्य है, पढ़ने वाला है, मास कम्युनिकेशन का छात्र है, उसके साथ जो भी हुआ है ये गलत हुआ और दिल्ली पुलिस को तत्काल प्रभाव से उसको रोक देना चाहिए था। दिल्ली पुलिस की लापरवाही है कि इस तरह की घटना घटी, उनके हाथ कैसे बंधे थे ये ईश्वर जाने या वो जाने। किस तरीके से देखते हैं कल जो घटना जामिया में घटी है? देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो भी घटना घटी है संघ परिवार के लिए कोई नई बात नहीं है। संघ परिवार यदा कदा समय पर अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए, अपनी कट्टरवादिता को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी घटनाएं करता रहता है। दिल्ली पुलिस या अदर जो भी सरकार की एजेंसियां हैं जिनको इसको रोकना चाहिए था, वो क्यों रोकेंगी? जब देश का गृह मंत्री तड़ीपार हो, गुजरात से निकाला हुआ हो, जिसका चरित्र आचरण तार तार हुआ हुआ हो, जो सामाजिक व्यक्ति ना हो, ऐसे व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो शांति और प्रेम की भाषा बोले। जो भी इनके मंत्री अजूल जलूल भाषा का उपयोग करते हैं, वो मंत्री सब नागपुर और झंडे वालान से तयशुदा निर्धारित भाषा इनके पास आती है, देश को गुमराह करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज में नफरत फैलाने के लिए। इसी के साथ ये जो भी दुर्घटना हुई है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है।
और वहाँ के जो भी आंदोलनकारी हैं उन्होंने जो भी सहनशीलता का और भाईचारे का जो संदेश दिया है, हम उनको नमस्कार करते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ आंदोलन तेजी के साथ बढ़ना चाहिए। सरकार की जन विरोधी संसद में हुए विधेयकों के खिलाफ जो समाज विरोधी और देश विरोधी हैं, जो आज भारत के अंदर वो संगठन सरकार चला रहे हैं जो कदा कदा कदी रूप से भारत के खिलाफ या भारत के समाज के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, देख सकते हैं कि आम जनता इनके इस कृत्य को समझने लगी है। जो बनारस वाले चचा जी ने बात कही वो यकीनन कहीं ना कहीं शक के घेरे में आती है। गृहमंत्री ये कह करके पल्ला झाड़ लें कि हमने कार्रवाई के लिए कह दिया है और जो भी दोषी है उसके साथ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, पर बात सिर्फ यहीं ख़त्म अब नहीं हो जाती।